नमस्कार, स्पीड न्यूज में मैं कल्याणी, हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत। देखते हैं आज की ताजा खबर। पीएम नरेंद्र मोदी की चल संपत्ति पिछले 15 महीनों से 36 करोड़ से ज्यादा हो गई है। वे आम भारतीयों की तरह अपनी अधिकांश कमाई बचत खातों में ही जमा करते हैं। प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपनी संपत्ति और देनदारियों को देने की घोषणा की है। फ्रांस सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की। अब फ्रांस प्रशासन महामारी की रोकथाम के लिए गाइडलाइंस का अनुपालन करेगा। राष्ट्रमंडल देशों के विदेश मंत्रियों की डिजिटल बैठक में भारत ने पाकिस्तान को लगाई फटकार। भारत ने कहा, पड़ोसी देश आतंकवाद का केंद्र बिंदु, कई ऐसे आतंकी मौजूद जिन पर यूएन का प्रतिबंध है। अगर आप आईपीएल का मजा बड़ी टीवी पर लेना चाहते हैं या कोई फिल्म देखना चाहते हैं तो इसके लिए स्मार्टफोन की स्क्रीन को टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन मिररिंग टेक्नोलॉजी से। यूपी के मिर्जापुर जिले में एक अनोखा सरकारी स्कूल है। इस स्कूल में ना तो एक भी टीचर है ना तो छात्र है, इसके बावजूद स्कूल रोज खुलता है। भारी बारिश की वजह से राहत और बचाव के लिए महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक में एनडीआरएफ की टीम तैनात। 6 महीने से अधिक समय के बाद बृहस्पतिवार को मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल खोल दिए गए, पर कोरोना के खौफ के कारण कोई भी दर्शक पहुंचने के लिए तैयार नहीं था। हर तरफ सन्नाटा ही पसरा था। बहू को है सास ससुर के घर में रहने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। तेलंगाना में बीते 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। राजधानी हैदराबाद के कई इलाकों में पानी भर गया है और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। आज की ताजा खबरों में बस इतना ही। देखते रहे स्पीड न्यूज लाइव 24। शुक्रिया। खेळासाठी शिक्षणाकडे आणि शिक्षणासाठी खेळाकडे दुर्लक्ष आता नाही होणार। संजीवन ग्रुप ऑफ स्कूल्स पन्हाळा कोल्हापूर, फक्त शाळेत नाही आता संजीवनला जायचं।